नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन जो वैकेंसी आई हुई थी डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी ली गई थी, उन सभी संविदा कर्मियों की जो है सेवा जो है वो अस्थायी रूप से हो, इसकी बात जो है संघ ने रखी हुई है। और क्या रखी हुई है, क्या न्यूज़ है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार बेल्ट्रॉन संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी हो, संघ ने कहा है ये बात। और डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है और पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और सबसे पहले आप हर नोटिफिकेशन को जान सके और इसकी जानकारी पा सके। तो चलते हैं, क्या है इसकी न्यूज़, मैं आपको न्यूज़ पे ले चलता हूं। तो दोस्तों, बिहार से रिलेटेड में सारी जानकारियां जो है आपको इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आप तक शेयर करता हूँ। और दोस्तों, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग शेयर करेंगे और सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जितने भी आपके क्लोजली दोस्त हैं उस पर शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, सारी जगहों पे आप शेयर करके हमें संतुष्ट करेंगे कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलते हैं न्यूज़ पर, मैं आपको न्यूज़ पर लिए चलता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्द आधार को लिंक करा लें बैंक खाते में, तो आपको जो है 6,000 रुपये मिलेंगे। और किस तरह से आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, आप इस वीडियो को देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक दूसरा वीडियो है जो बिहार न्यूज़ वैकेंसी का है, न्यू वैकेंसी का, जो खनन और भूतत्व विभाग की नई भर्ती के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं उसके नोटिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी हो, यह बात जो है संघ ने रखी हुई है। और क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है हिंदुस्तान ब्यूरो यानी हिंदुस्तान के पेपर से मैंने कटिंग किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है आपका कि बिहार राज्य डाटा एंट्री। जी हाँ दोस्तों, डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, जो संघ है, उन्होंने सरकार से संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी करने के लिए विशेष कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया है। संघ ने कहा है कि गत 5 वर्षों से उन लोगों ने अशोक चौधरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार किया है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। राज्य सरकार को दिवाली से पहले इन कर्मियों की सेवा स्थायी करने तथा वेतन विसंगतियों को दूर कर तोहफा देने को कहा गया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने वेतन भुगतान व अन्य विसंगतियों को दूर करने की मांग की और बेल्ट्रॉन के एमडी जो बेल्ट्रॉन के जो एमडी होते हैं, उन्होंने बेल्ट्रॉन के एमडी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के शिष्टमंडल ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर आदि कर्मियों की जो है समस्याओं को दूर करने की मांग की गई है। तो दोस्तों, जो भी संविदा कर्मियां हैं, जो भी पदों पे हो, या आपका ऑपरेटर का हो, डाटा ऑपरेटर का हो, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल हुए हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी तोहफा है कि दिवाली से पहले उनकी जो है सेवा जो है अस्थाई करने की मांग की गई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करेंगे और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप अपने सभी साथियोंगण से के पास इसे इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।